नमस्कार, स्वागत है दोस्तों जी पढ़े चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ के साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दोस्तों, इस चैप्टर में हम ऑलरेडी 2 वीडियो देख चुके हैं और उसमें हमने आपको एनसीईआरटी के जो टेस्ट क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो अभ्यास के प्रश्न हैं, उसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करवा दिया है। और आज हम इसमें जो हम करेंगे वो हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो दोनों वीडियो के और सभी वीडियोज के, जो 700 से ज़्यादा वीडियोज हैं, उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ से आप देख लीजिए, नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक जो है सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही बूस्ट करता है हमारी एनर्जी को, ठीक। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न लेते हैं। और आज का पहला प्रश्न क्या है कि कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा समझेंगे डायग्राम के साथ। और ध्यान से अगर देखिए, आपको कभी समझना हो तो प्लीज़ आप भी थोड़ा बहुत बुक को पढ़ा करो, तब आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए, ये झाग का ही एक रूप है, यानी कि अब मैं आपको प्रक्रिया बताता हूँ। कठोर जल में होते हैं क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, है ना। ये बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कि कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन उपस्थित होते हैं, ठीक है। और इन मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन के साथ जब साबुन के अणु अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तो मिसाइल बनता है, ऐसा डर्ट। देखिए, तो साबुन का अणु हो गया, अभी हाइड्रोकार्बन है जो डर्ट है, तो डर्ट के साथ जब अभिक्रिया करता है साबुन तो मिसाइल बनाता है। मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ, अभी अगले प्रश्न में ना आपको बिल्कुल एक एक चीज़ इसी के बारे में बताऊँगा विस्तार से, क्योंकि एक और प्रश्न है आगे जब साबुन की प्रक्रिया का, यानी कि सफाई प्रक्रिया के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब उस वाले प्रश्न में। तो मिसाइल नुमा जो संरचना बनती है, जिसके बीच में गंदगी होती है, ठीक है, ये पानी में अघुलनशील होता है, ठीक है। क्या होता है, जल में अघुलनशील होता है और इसीलिए सफ़ेद बादल के रूप में दिखाई देता है, है ना। जब इस पे प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश को ये प्रकीर्णित करता है और सफ़ेद बादल के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम झाग कहते हैं। आए बात समझ में, उसको बेहतर से आप यहाँ समझ सकते हो। देखो ये क्या है, ये झाग है, देखो इस प्रकार से निकलता है और ऐसे लाखों अणु निकलते हैं, तो सारे लाखों अणु मिलाकर जो थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद निकलता है उसे हम बोलते हैं झाग, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप मिसाइल की संरचना बना के और लिख दीजिए, ठीक है ना। और अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको अभी मैं ये जो लास्ट वाला 15वां क्वेश्चन बताऊंगा उसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगले प्रश्न में जो सवाल पूछा गया है, यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला से साबुन की जाँच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको समझने की ज़रूरत है कि साबुन का जो अणु होता है उसमें क्या होता है, सोडियम। और सोडियम एक धातु है और बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, तो ये जब किसी भी चीज़ में घोला जाएगा तो क्या बनाएगा, क्षार बनाएगा, है ना। तो जो साबुन का अणु होता है, यानी जो सोप मॉलिक्यूल होते हैं, वो होते हैं बेसिक इन नेचर। साबुन का अणु कैसा होता है प्रकृति में, तो साबुन का अणु क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय, यानी प्रकृति में क्षारीय होता है। और जब देखिए, दो तरह के लिटमस हो गए, एक हो गया लाल लिटमस, रेड लिटमस, और एक हो गया ब्लू। तो आपको पता होना चाहिए कि साबुन है क्षारीय, तो अगर साबुन के घोल में, है ना, या साबुन, गीले साबुन को अगर हम टच करेंगे नीला लिटमस पत्र, तो नीला ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब रेड लिटमस पत्र को टच करेंगे, लाल लिटमस पत्र को टच करेंगे, या फिर उसके साथ अनुप्रयोग करेंगे, जाँच करेंगे साबुन की, तो ये जो लाल वाला है वो नीले में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, नीले में। क्यों, क्योंकि भाई लाल लिटमस पत्र, ठीक है, कब नीला होता है, जब वो क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे जो क्षार वो क्या है, वो है साबुन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया कि साबुन के साथ जब हम रेड लिटमस, लाल लिटमस पत्र का जांच करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो उसका जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। तो हाइड्रोजनीकरण, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजनीकरण ये हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। लेकिन हाइड्रोजन कभी भी ऐसे ही नहीं जुड़ता है, हमें देखना होगा कि किन कंपाउंड में, किन यौगिकों में जुड़ता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं इसके एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि कभी भी जो हाइड्रोजनीकरण होता है,
ठीक है ना, या फिर संकलन जो अभिक्रिया हम करते हैं, यानी ये जो संकलन अभिक्रिया है, संकलन अभिक्रिया, तो ये जो संकलन अभिक्रिया है इसको इंग्लिश में एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन एल्केन या एल्कीन में जुड़ता है, किसमें जुड़ता है, एल्कीन या एल्काइन में, किसमें जुड़ेगा, एल्कीन या एल्काइन। अब ये एल्कीन और एल्काइन क्या है, तो बहुत ही सिंपल है कि जिसमें कार्बन कार्बन द्विआबंध होता है वह एल्कीन होता है, जिसमें कार्बन कार्बन त्रिआबंध होता है वह एल्काइन होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि जब कभी भी निकिल या निकिल पैलेडियम या फिर और भी, ठीक है ना, कई प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है, जब किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, यानी कि संकलन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए जरा यहाँ पे कि जो द्विआबंध था यहाँ पे देखिए बीच में एकल आबंध हो गया ना, तो ये जो प्रक्रिया है इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों से संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में परिवर्तन होना ही हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ठीक है, और ये RR पे कन्फ्यूज मत होइएगा, RR का मतलब CH3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या CH2 हो सकता, C2H5 हो सकता है, यानी मिथाइल है या इथाइल है, या फिर Cl हो सकता है, जैसे हम जो रिएक्शन करते हैं ना, जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम यहाँ पे करके दिखाते हैं, जैसे देखिए ये रहा, ये एक तरह से ऐसे हो सकता है, ठीक है, CH3Cl। तो यहाँ पे जो द्विआबंध है वो बदल जाएगा एकल आबंध में, और कभी कभी याद रखिएगा कि जो त्रिआबंध होगा वो पहले बदलेगा द्विआबंध में यानी कि डबल बॉन्ड में, और फिर और आगे अभिक्रिया करेंगे तो वो एकल आबंध में बदल जाएगा, प्रक्रिया यही रहेगी, बस एक स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है कि निकिल पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक होने चाहिए, ठीक है, निकिल या पैलेडियम जैसे, देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। और ये प्रक्रिया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक से संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में बदलने की प्रक्रिया, ठीक है, तो उत्प्रेरक हैं ये, पैलेडियम और निकिल क्या है, उत्प्रेरक। अभी जो नया शब्द उत्प्रेरक है इसका क्या मतलब है ये भी समझ लीजिए कि उत्प्रेरक का मतलब होता है ऐसे यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा सकते हैं परंतु स्वयं कभी भी परिवर्तित नहीं होते, ठीक है, यानी कि केमिकल रेट ऑफ केमिकल को, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं डिक्रीज भी कर सकते हैं, बट दे नेवर चेंज देम सेल्स, लेकिन अपने आप को कभी परिवर्तनशील नहीं करते, वो परिवर्तन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये तो चलिए आपका हो गया हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं क्यों कहते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन जुड़ता है इसीलिए, ठीक है, लेकिन किस प्रक्रिया के द्वारा उसे आराम से लिखिएगा और याद करिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 एंड CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होगी, तो बहुत ही आसान है, मैंने अभी आपको बताया कि जो त्रिआबंध होंगे कार्बन कार्बन के बीच या द्विआबंध होंगे बस उसी में होगा संकलन अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो इसके लिए आपको बता दूं कि यहाँ पे एल्कीन और एल्काइन में होगा, है ना, तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n माइनस प्लस सॉरी CnH2n बस हो गया। और एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस में 2। ये क्या मतलब है इसका वो बता देता हूँ आपको, ठीक है, एल्कीन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे CN है H2N है, इसका मतलब ये कि जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उससे दुगना होने चाहिए तो वो एल्कीन कहलाएगा। देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं इस वाले में, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे, ये देखिए तो यहाँ पे इसमें कार्बन कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, दुगने से 2 ज़्यादा अगर हैं तो एल्केन होता है, लेकिन दुगने हो तो एल्कीन होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए दुगने से 2 ज़्यादा है, 2 × 2 = 4 और 2 ज़्यादा 6 है, तो ये नहीं है एल्कीन या एल्काइन। यहाँ देखिए दुगने से 2 ज़्यादा, ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं संकलन अभिक्रिया होगी। यहाँ देखिए ये है दुगना, जितने कार्बन है उससे 2 गुना हाइड्रोजन है, है ना, हमने फॉर्मूला क्या लिखा था CnH2n, तो ये एल्कीन है, तो इसका मतलब इसमें संकलन अभिक्रिया होगी। ऐसे ही देखिए जितने कार्बन है उतने, ठीक है, उसके दुगने से 2 कम है हाइड्रोजन, जिसका ने फॉर्मूला लिखा था CnH2n माइनस में 2, ठीक है ना, 2n माइनस में 2, तो इसमें भी संकलन अभिक्रिया होगी और CH4 में नहीं होगी। तो भाई C3H6 में यानी कि प्रोपीन में और C2H2 यानी कि इथाइन में
अभिक्रिया होगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर भी कोई समस्या रह गई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है वीडियो के नीचे, वहाँ पर जाके अपनी बात को रखें, जो भी होगा मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 14। मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। तो आपको पता ही है कि मक्खन और खाना यानी वेजिटेबल ऑयल्स जो हम खाते हैं घर में, है ना, सरसों का तेल हो गया और भी कई चीज़ें हो गई, ये सब क्या है, ये खाने वाली चीज़ें ही तो हैं, वेजिटेबल ऑयल है, सब्जी का तेल है। तो देखिए वापस मैं यहीं पे आ गया, ठीक है, क्यों आ गया आपको बताता हूँ। अब पूछा गया है कि मक्खन और खाने वाले तेल में यानी सब्जी वाले तेल में अंतर बताइए, एक रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक डिफरेंस बताना है, केमिकल डिफरेंस। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है वो समझिए, रासायनिक चेंज क्या होगा उसमें, अंतर क्या है मुख्य रूप से। तो आपको यहाँ पे देखिए साफ साफ पढ़ने को मिलेगा कि जंतु वसा संतृप्त वसा अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? संतृप्त यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं, एनिमल फैट्स, ठीक है ना। तो एनिमल फैट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं, संतृप्त वसा होते हैं, वसा अम्ल होते हैं, ठीक है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो संतृप्त वसा होते हैं इसका इसलिए, ठीक है ना, इसलिए समझिए बात को। और वहीं पर जो वनस्पति तेल होता है, देखिए ऊपर लिखा है वनस्पति तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जंतुवसा और असंतृप्त होता है वनस्पति तेल, ठीक है, यानी कि सब्जी बनाने वाला तेल, ठीक है। अब अंतर कैसे निकालेंगे हम, ये समझिए आप। अंतर साफ साफ आपको दिखाई देने लग गया होगा अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा तो, कि संतृप्त है पहले से ये, इसमें अगर हम हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया यानी कि संकलन अभिक्रिया करेंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये पहले से ही संतृप्त है, ठीक है। वहीं पर अगर हम असंतृप्त यानी कार्बन कार्बन द्विआबंध और कार्बन कार्बन त्रिआबंध, देखिए वनस्पति तेल क्या होते हैं, असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएँ होती हैं, तो भाई इसमें तो होगी ना हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, है ना। तो वनस्पति तेल में आप दोगे कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, वहीं पर जो जंतु वसा यानी कि जंतु हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं उनमें जंतु वसा अम्ल होता है और ये संतृप्त होते हैं, तो इसमें ये वाली जो रिएक्शन है वो नहीं होती। बस हो गया, आसान सा था, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए जो है अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न है आपका लास्ट प्रश्न, और वो है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। अब साबुन की सफाई प्रक्रिया की हमें क्रियाविधि समझानी है, तो सबसे पहले हमें साबुन के अणु की संरचना को समझना होगा, उसका अध्ययन करना होगा। तो आइए अब विस्तार से ज़रा इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कि यहीं से शुरू करते हैं कि साबुन के अणु के दोस्तों दो सिरे होते हैं, एक होता है जलरागी सिरा जल में घुलता है, एक होता है जलविरागी सिरा जो हाइड्रोकार्बन में घुलता है, ठीक है ना। यही सब लिखा होगा इसमें और कुछ नहीं, आप पढ़िएगा इसे आराम से। जलरागी सिरा जो जल में विलय है और जलविरागी सिरा जो हाइड्रोकार्बन विलय है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड, ये हाइड्रोफोबिक एंड है, हाइड्रोफिलिक एंड है। तो ये वाटर में डिजोल्व होता है और ये हाइड्रोकार्बन में डिजोल्व होता है, ओके। तो अब दोस्तों ज़रा ध्यान से सुनिए, ठीक है, यहाँ से समझते हैं कि जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है, और ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है। ये जो यहाँ पे दिखाया गया मिसाइल जिसमें जलविरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, देखिए ये जलविरागी समझ रहे हैं ना, जलविरागी नहीं समझ रहे तो यहाँ पर समझाता हूँ आपको, देखिए इस वाले डायग्राम पर ये है। तो जो ये वाला एंड है साबुन का, ये वाला जो मैं यहाँ पे निशान बना रहा हूँ, तो ये हाइड्रोफोबिक एंड यानी कि हाइड्रोकार्बन वाला एंड है, तो ये जल में घुलनशील नहीं होता, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस ये कहाँ गया, ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने कारण होता है जिसमें जलविरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से की तरफ, है ना, जलविरागी आंतरिक हिस्से की तरफ होती है और उसका आयनिक सिरा बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो इस संरचना को हम मिसेल कहते हैं, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, मिसेल, बस और कुछ नहीं है। मिसेल जैसे ही एक बार बन गया, पहले हम क्या करते हैं, साबुन लगाते हैं, फिर कपड़े को थोड़ा सा पटकते हैं, क्यों पटकते हैं उसका कारण आज जान लीजिए।
मिसेल बनने के बाद मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं और मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन आयन विकर्षण के कारण अवक्षेपित नहीं होते, ठीक है ना। और इसी प्रकार मिसेल तैरते हुए मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। मिसेल यानी साबुन के जो मिसेल होते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं यानी प्रकाश को फैलाते हैं, इसी कारण से वो सफ़ेद बादल के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है ना। इसी कारण से वो सफ़ेद बादल के रूप में दिखाई देते हैं जिसको हम झाग कहते हैं। आई बात समझ में दोस्तों? और बहुत ही सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि इतना कठिन आपको अब लग रहा होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है। जो साबुन का अणु होता है उसके दो सिरे होते हैं, जल विरागी जलरागी, ठीक है। जलरागी सिरा जो है घुलता है किस में, जल में, और जल विरागी सिरा हाइड्रोकार्बन में, बस। और उसके बाद से मिसेल की संरचना याद कर लीजिए और मिसेल की संरचना का ये वाला डायग्राम बनाइएगा, नीचे वाला मत बनाइएगा, ये वाला डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। कोई आपके नंबर नहीं काट सकता आधे भी। आई बात समझ में? तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए हार्डवर्क करते हैं। और अगर आप इतना भी नहीं करेंगे तो हमें काफ़ी जो है कि मतलब सैड फील होता है कि आपने जो है कि कम से कम 100 लाइक्स भी नहीं आते यार, 500 व्यूज़ होते हैं और 100 लाइक्स भी नहीं आते, सोचिए। तो ये अच्छी बात नहीं है ना। लाइक करिए और बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए, अच्छे नंबर लाते रहिए, करियर बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।